सपोज आपके पास कोई भी दो स्फेयर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है। क्वेश्चन में आएगा इन दोनों स्फेयर्स को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, मतलब जोड़ते हैं और फिर सेपरेट कर देते हैं। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो चार्जेस ना डिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि चार्जेस किसी पे ज़्यादा चार्ज है, किसी पे कम चार्ज है, तो आपस में पहले वो एक बॉडी की तरह काम करेंगे जब कांटेक्ट में आएंगे। तो नेट चार्ज, चार्ज एडिटिव है, नेट चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, जब कांटेक्ट में लेके आएंगे फिर अलग अलग चार्ज थोड़ी ना है, फिर तो Q1 प्लस Q2। और जब सेपरेट करेंगे तो चार्जेस बराबर बराबर वो स्फेयर लेके सेपरेट हो जाएंगे। तो यानी कि अगर चार्ज मैंने इनको कांटेक्ट में लेके आया तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और अगर सेपरेट हुए तो फिर आधा चार्ज ये ले जाएगा और आधा चार्ज इसका ये ले जाएगा। तो नया चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, लेकिन एक अजम्पशन के साथ, क्या कि एक स्फेयर और दूसरा स्फेयर दो स्फेयर्स हैं, दोनों का साइज बराबर है। अगर एक बहुत बड़ा स्फेयर है और एक छोटा सा स्फेयर है, फिर तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा? तो फिर क्या करना है? अगर मान लो अनइक्वल साइज है, तो फिर एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर, अभी आएगा, 1-1.5 महीने बाद आएगा। उस टाइम तक आपको अनइक्वल स्फेयर तो नहीं आएंगे, पक्की बात है, और अगर आ गए आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटेंस, क्योंकि हर स्फेयर की कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। बड़े स्फेयर की ज़्यादा कैपेसिटी है, छोटे स्फेयर की कम कैपेसिटी है। तो कैपेसिटेंस की रेशियो के अकॉर्डिंगली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पर क्योंकि मैंने बोला कि कैपेसिटी बराबर है, क्योंकि उनका साइज तो बराबर है, तो आज की डेट में अगर साइज बराबर है फिर चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा और बराबर ही आएगा। आपको अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला अनइक्वल साइज, तो इक्वल साइज के केस में आप क्या करेंगे? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर ये रूल हर साइज के स्फेयर पे लगेगा? नहीं लगेगा, इक्वल साइज होगा तभी लगेगा। क्लियर है यहां तक? तो इसमें जैसे सपोज ऐसे न्यूमेरिकल आएगा, आपको कहेगा कि आपके पास तीन स्फेयर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2, तीसरे के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज्ड है। मान लो उसने बोला ए एंड सी को मैं कॉन्टेक्ट में लाके सेपरेट कर रहा हूं, तो ए पे चार्ज क्या है? Q1। सी पे क्या है? 0। तो टोटल चार्ज क्या है? Q1 प्लस 0। जब सेपरेट करेंगे तो Q1 प्लस 0 बाई 2, Q1 प्लस 0 बाई 2, डन। तो नया चार्ज आ गया, यहाँ तक क्लियर है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो सी का नया चार्ज है Q1 बाई 2, वो कह रहा है, और बी के ऊपर चार्ज तो सेम ही है Q2, उसको तो टच किया नहीं किसी ने। अब वो कह रहा है सी और बी को कॉन्टैक्ट में ले आया, बी पे चार्ज क्या है? Q2। सी पे चार्ज क्या है? Q1 बाई 2। तो ये सिचुएशन है, मैं कांटेक्ट में ले आया और जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा? दिस प्लस दिस बाई 2। इस पे चार्ज क्या आएगा? Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2। तो फिर से टोटल ऐड करके डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर देना, ये नए चार्जेस आएंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या करना है। तो अगर इक्वल साइज के स्फेयर्स हैं, दोनों चार्जेस को मिला देना है, पहले ऐड कर देना है, फिर डिवाइड बाई 2 कर देना, बात खत्म। कोई डाउट इसमें? तो ये रूल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में याद रखना है। और ये भी हो सकता है दो स्फेयर को वो बोले ऐसे कॉन्टैक्ट में ले आया, या फिर दो स्फेयर को एक वायर से कॉन्टैक्ट में ले आया, क्योंकि वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, एक ही बात है। तो अगर वायर के थ्रू कॉन्टैक्ट में लेके आया तो भी रूल सेम है, फिर वायर को उठा के तोड़ के फेंक दिया, तो यानी कि आपस में चार्ज शेयरिंग ऐसी ही होगी, चाहे वैसे कॉन्टैक्ट में ले आया चाहे वायर के थ्रू ले आया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें।